दोस्तों, मैं मोना श्रीवास्तव, मोना किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से नई रेसिपी आपको बताने के लिए आ गई हूँ। ब्रेड चीज कटलेट मैं आपको बनाना बता रही हूँ। आइए, इसमें क्या क्या सामग्री पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। हरा शिमला मिर्च, पीला शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, गाजर, आलू बॉईल किए हुए, नमक, हल्दी, मटर, चीज, हींग, ब्रेड, सूजी, मैदा और कॉर्न आटा। 4 चम्मच मैदा है, 5 चम्मच कॉर्न आटा है और आमचून, लाल मिर्ची पाउडर। सबसे पहले गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे, पैन बैठा के। सारी सामग्री को कद्दूकस कर ली हूँ, प्याज भी बारीक बारीक काट ली हूँ, गाजर को भी कद्दूकस कर ली हूँ, आलू को भी कद्दूकस कर ली हूँ। सबसे पहले इसमें रिफाइंड डालूंगी। सबसे पहले इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे, फिर लहसुन, हरी मिर्ची, इसे थोड़ी देर भून लेंगे। फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, थोड़ी देर तक लाल होने तक भूननी है। फिर इसमें मटर डालनी है, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, सभी को डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, आमचूर डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें गाजर मिक्स करेंगे, कद्दूकस किया हुआ, फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फिर इसमें बॉईल किया हुआ कद्दूकस किया आलू डाल देनी है। फिर इसमें आधा नींबू का जूस पड़ेगा। अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। फिर धनिया पत्ता इसमें मिक्स करेंगे। फिर इसमें सबसे लास्ट में नमक पड़ेगा स्वाद अनुसार। अब ये भून चुकी है, ब्रेड कटलेट का फिलिंग रेडी है। अब गैस ऑन कर लेंगे, इसमें रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड गर्म हो रही है, तब तक मैं इसे बनाती हूँ। मैदा कॉर्न आटा भी 1/2 स्पून नमक डाल लेंगे। फिर इसे पतली सी घोल बना लेंगे।
तरह की घोल बना लेनी है। फिर इस ब्रेड को हल्की हल्की बेल के पतला करेंगे। फिर इसमें फिलिंग को भरेंगे। अब इसमें चीज भर देनी है थोड़ी थोड़ी करके। फिर इसे थोड़ी सी पानी हाथों पे लगाकर इसे बंद करेंगे, दो चार बूंद की छींटे मार मार के इसे बंद कर लेंगे। इस तरह करके सारे को तैयार कर लेंगे। अब इसे कॉर्न आटा में डीप करके सूजी में रोल करनी है। फिर रिफाइंड में छोड़नी है। इसी तरह सारे को करके रिफाइंड डाल देनी है। अब इसे धीरे धीरे करके पलट लेंगे। अब ये ब्राउन ब्राउन हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे। अब चलिए इसकी प्लेटिंग करती हूँ। देखिए ब्रेड कटलेट बिल्कुल रेडी है। तो इसे मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिल्कुल करारे बनी है। इसमें चाट मसाला मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल टेस्टी टेस्टी करारे। इसे आप या तो इसे सॉस के साथ टेस्ट कीजिए या तो ग्रीन चटनी के साथ, दोनों में यम्मी यम्मी लगेगी। तो फिर आप जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए। चीज ब्रेड कटलेट।